Hare Krishna. Acha Sankhya Yoga Nam Dvitiyodhyaya. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 2, Text Number 1. Is आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु और गौरंग से प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सादृशातम् सह गणरघुनाथ वितंसं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु सरस्वती गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचनं गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि जी। वंशः कल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। परम सौभाग्य है हमारा कि हम श्रीमद् भगवद् गीता के इस महायज्ञ के दूसरे चरण में पहुंच गए हैं। ये भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि आज हम श्रीमद् भगवद् गीता का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कृष्ण की कृपा, क्योंकि इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण हमें श्रीमद् भगवद् गीता का सार प्रदान करेंगे। श्री प्रभुपाद ने इस चैप्टर का नाम रखा है भगवद् गीता का सार। गीता का सार का मतलब ये है कि गीता के
अंदर भगवान श्री कृष्ण जो जो टॉपिक्स बोलेंगे, जो जो विषय पर बात करेंगे, वो सारे के सारे विषय इस चैप्टर में भगवान ने संक्षिप्त में बताए हैं। हर वो चीज जो भगवान बताना चाहते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान इस चैप्टर में उंडेल के रख दिया। इसे इसका नाम गीता का सार है, क्योंकि गीता में कई मुख्य विषय हैं, जैसे सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, दूसरा अध्याय, इसमें सांख्य योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, उपासना योग भी है, संन्यास योग भी, सब कुछ इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये सारा का सारा ज्ञान दिया है। और हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम इस अध्याय को श्रवण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें अवसर प्रदान किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 2। संजय उवाच, कृपया मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि संजय अब बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्या बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। तम तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीदन्तम् मिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। कैसे तम तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीदन्तम् मिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। कैसे तम तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीदन्तम् मिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। एक बार लास्ट जरूर पढ़ो, आप लोग शास्त्र में देखो, श्रीमद् भगवद गीता में देखो, आप कितने लकी हो, कितना भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है कि आप गीता के शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कर रहे हो। आप मेरे साथ पढ़ने का प्लीज कृपया ट्राई करो। संजय उवाच तम तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीदन्तम् मिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। शब्दों का अर्थ देखिए। संजय उवाच, संजय ने कहा। संजय कौन थे? धृतराष्ट्र के सारथी थे, जिससे धृतराष्ट्र ने ये पूछा था कि युद्ध भूमि में गए हुए, जो युद्ध की इच्छा से गए हैं, वहाँ पर जाकर मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो आज संजय बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तम, तम मना अर्जुन के प्रति, तम मना उसने, अर्जुन ने क्या किया। अब क्योंकि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, तो दुर्योधन के विषय में उसने पहले चैप्टर में बता दिया कि क्या क्या किया। और उसके बाद अर्जुन और कृष्ण के सेंटर में जो डिस्कस हुई, वो सारी बता दी, जो जो अर्जुन ने भगवान को बताई वो चीजें। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। तो फिर ये कह रहे हैं तम तथा, तम तथा माना उसने, अर्जुन ने इस प्रकार, तथा माना इस प्रकार, कृपया विष्टम मतलब करुणा से अभिभूत होकर, कृपा से भरकर, करुणा से भरकर। और उसकी कंडीशन क्या थी? अश्रु पूर्णाकुल, अश्रु कहते हैं आंसुओं को, पूर्णा मतलब भरी हुई,
तीक्ष्ण मतलब नेत्र, उसके आँखों से नेत्र जो है वो झलक रहे थे और उसका हृदय जो था वो करुणा से भरा हुआ था। अब ये कंडीशन अर्जुन की बता रहे हैं कि उस टाइम पर अर्जुन क्या महसूस कर रहा था कि उसके हृदय में करुणा आ गई थी कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। उसके घोर जो परिणाम थे युद्ध के वो उसे याद आ रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। और आगे बोला विषीदंतम, विषीदंतम मतलब बहुत ज्यादा जब किसी को दुख होता है ना, वैसे तो शोक ऐसा हमेशा आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना तुम शोची तुम अर्हसी, शोक मत करो शोक मत करो। लेकिन विषीदंतम का मतलब होता है अत्यंत बहुत ज्यादा जब उसको शोक हो रहा था। इदम वास्तव और इस कंडीशन में, ये कंडीशन पहली लाइन में बताई तम तथा के प्रयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षण विषीदंतम। यहाँ तक उसने कंडीशन बताई कि वो करुणा से भरा हुआ था, आंखों से आंसू निकल रहे थे और बहुत ज्यादा शोक था, उसके हृदय में इतना ज्यादा दुख हो रहा था। और उसके बाद बोला इदम वाक्यम, इदम माना ये तो कौन से, अब जो दूसरे श्लोक में बताएंगे ना, इदम वाक्यम जो भगवान श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में कहेंगे उसके विषय में बता रहे हैं। वाक्यम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, उवाच मतलब बोले मधुसूदन अर्थात कृष्ण ने। आज संजय धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि जब अर्जुन की यह कंडीशन थी कि उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उस वो बहुत शोक मग्न था, बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा शोक हो रहा था, दुख हो रहा था। अर्जुन को अपने मित्र को, अपने सखा को, अपने प्रिय मित्र को इस कंडीशन में देखकर इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, यह शब्द कहे मधुसूदन कृष्ण ने। यानी आज हमें संजय ये बता रहे हैं कि अब मेरे बोलने का कोई कारण नहीं है, अब मैं चुप करने वाला हूँ, क्योंकि अर्जुन की इस कंडीशन को देखकर अब जो भगवान बोलने वाले हैं वही सार्थक है हम सबके लिए सुनने के लिए। और धृतराष्ट्र को भी बोलने वाले बोल रहे हैं कि देखो अब तक तो तुमने जो सुना सो सुना, लेकिन अब तो कृष्ण बताएंगे, वही सुनने के योग्य है। तो कृष्ण जो बताएंगे वो तो हम अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन आज का श्लोक जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कृष्ण कल से बताने वाले हैं वो क्यों बता रहे हैं वो आज के श्लोक में बताया जाएगा। अनुवाद देखिए, संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। अब अर्जुन की कंडीशन बता रहे हैं कि उसकी कंडीशन क्या थी, दुखी था बहुत ज्यादा, नेत्रों से आंसू निकल रहे थे और बहुत ज्यादा शोक युक्त था, संतप्त था, उसके हृदय में बहुत दुख हो रहा था। और उस कंडीशन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। अब यहाँ पर यह प्रश्न तो उत्पन्न होता ही है कि ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता को सुनाने के लिए ये सिचुएशन क्यों चॉइस की। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों आपस में मित्र थे, वो कई दफा आपस में मिलते थे। अक्सर अर्जुन जो था वो द्वारिका जाता था, वहाँ पर कई दिन तक रहता था। कभी कभी कृष्ण आते थे हस्तिनापुर, बहुत टाइम एक साथ गुजारते थे। और ऐसा बताया भी है ना अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा है कि कई बार साथ में जाते हुए, एक ही पलंग पे सोते हुए, एक ही साथ मस्ती करते हुए मैंने आपको बहुत दफा ऐसे शब्द कहे, क्योंकि आप भगवान हो तो मुझे ऐसे नहीं करने चाहिए था, आपकी इज्जत करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ये प्रश्न है कि अर्जुन जब भगवान का इतना घनिष्ठ मित्र था, तो श्रीमद् भगवद गीता जो कि इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान है, वो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कभी भी रिलैक्स समय में दे सकते थे ना, जब अर्जुन बिल्कुल रिलैक्स हो। जैसे जब वो आपस में मिले तो कहीं गार्डन में बैठ जाते कि चलो आज अर्जुन मैं तुमको भगवद गीता सुनाता हूँ,
बहुत इम्पोर्टेंट है, सुन लो तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी तुम्हें काम आएगी, क्योंकि कृष्ण को तो फ्यूचर का पता होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेदाहम सम अतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन। 7.26 में भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ और मुझे पता है कि जो भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और भविष्य में घटित होने वाला, उस सब के विषय में जानता। तो क्या भगवान श्री कृष्ण को तो ये भी पता था ना कि आगे जाके युद्ध होने वाली है और युद्ध के टाइम पर अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो मोह ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए पहले ही भगवान श्री कृष्ण को अच्छा सा समय देखकर, जब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई पार्क में बैठ जाते या किसी द्वारिका के किसी एसी रूम में बैठ जाते और बैठ के बताते, बैठ कर आज मैं तुम्हें भगवद गीता बताता हूँ, जिंदगी में तुम्हें काम आएगी, तो ऐसी रिलैक्स सिचुएशन में उसको अच्छी तरह से समझ में आती ना। हम क्या ऐसा होता है ना कि हम जो भी किसी को बताते हैं, किसी को कुछ खास पता नहीं, बात हो रही होती है तो डिस्टर्ब माहौल होता है, तो क्या बोलते हैं कि नहीं अभी मैं तुम्हें ये, इवन भगवद गीता के लिए भी बोलेंगे अभी ये सिचुएशन नहीं है, थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाऊं, आप भी सिचुएशन थोड़ी सही हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को क्या ये ज्ञान नहीं था कि ये श्रीमद् भगवद गीता जो कि इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान है उसको सुनाने के लिए कोई ऐसी सिचुएशन है ना चोइस की जाए जो कि बिल्कुल रिलैक्स हो अर्जुन। अब यहाँ पर क्या था, रणभूमि, और रणभूमि में शंख बज चुका था अर्जुन के सामने, जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के विषय में हम सोच कर भी काम उठे। आज अगर हम अपने बारे में सोचें तो अगर दो मित्र हों, आपस में दो मित्र हों गहरे, और उनमें से एक मित्र की किसी तीसरे बंदे के साथ लड़ाई हो रही हो और लड़ाई करने के लिए बस शुरू हो रहे हो, और जो पहला वाला मित्र है वो बोले अपने दोस्त को देखो तुम लड़ाई करो नहीं, अभी फिलहाल नहीं करो, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ उसके बाद लड़ाई करो, ठीक है। तो वो इतना गुस्से में जब लड़ाई करने वाला होगा तो क्या बोलेगा, अरे तुम अपना गाना चुप करके बैठो, मैं पहले इसके साथ दो दो हाथ कर लूँ, इसको ठीक सबक सिखा लूँ, फिर मैं आराम से बैठकर तुम्हारा गाना सुनता हूँ। अभी नजर नहीं आ रहा कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और तुम्हें अपने गाने की पड़ी हुई है। ऐसे अब श्रीमद् भगवद गीता का गीत का मतलब भी गाना है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को यह गीत सुनाने के लिए जो समय चोइस कर रहे हैं वो है युद्ध भूमि। आज ये भगवान, आज हमारे लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि यह सिचुएशन क्यों चोइस की भगवान श्री कृष्ण ने। तो उसका उत्तर ये है कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने केवल अर्जुन के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए कही है। और अगर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण किसी भी रिलैक्स समय में, किसी भी अच्छी जगह पर, किसी पार्क में, गार्डन में, या ऐसी रूम में जहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी टेंशन ना हो, अर्जुन को बैठ के बता दी होती, तो फिर आज का मनुष्य क्या कहता। अगर हम उसको बोलते ना कि भाई आप भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता समझो और भगवद गीता में आपके समस्त प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, तो वो क्या कहता कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता दी है, इतनी उनको तो कोई टेंशन नहीं थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आराम से रहते थे, भगवान उसके साथ था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर उसको श्रीमद् भगवद गीता समझ में आया। हमारी जिंदगी में करोड़ों प्रॉब्लम्स हैं, करोड़ों मुश्किलें हैं, करोड़ों दुख हैं, और इस सिचुएशन में आप हमें बोल रहे भगवद गीता पढ़ो। अगर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता ऐसे रिलैक्स मोड में अगर दी होती तो यहाँ पर आज, क्योंकि आज का मनुष्य जो है उसकी भी वैसी ही कंडीशन है जैसी आज अर्जुन की है। आज का मनुष्य सांसारिक तापों से तप रहा है, उसके हृदय में केवल और केवल शोक है। विशीद अंतम लिखा हुआ है ना, ये संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए क्यों है इतना दुख। यहाँ पर लिखा अश्रुपूर्णा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णम कुलक्षणम विषीदंतम। ये सारी कंडीशन जो है वो हम सब की है, दुखी होते हैं, आंसू कंटिन्यूस रहते हैं, शोक युक्त होते हैं, हमारी कंडीशन इतनी बुरी होती है कि इस संसार में क्यों है ऐसी कंडीशन। उसका उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 8 टेक्स्ट नंबर 15 में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामुपैक्य पुनर्जन्म दुख
मुखालयं अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम्। कि जो संसार है वो मैंने बनाया ही दुख देने के लिए है, क्यों? अब फिर अगर दुख देने के लिए बनाया है तो फिर आप तो हमारे माता पिता हो, हमें इस दुख देने वाले संसार में क्यों भेजा? क्योंकि अपराध किया आपने ऐसा कि मुझे अपने घर से बाहर फेंक देना पड़ा, तुम्हें इस मृत्यु लोक में। अब यहाँ पर आके क्या करना है तुमको? यहाँ पर आके इदम प्राप्तम भजत स्वमां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.33 नवे अध्याय के श्लोक नंबर 33 में बताते हैं कि क्यों भेजा मनुष्य को इस संसार में। भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमा, इस अनित्य और दुखों भरे संसार में मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है ताकि यहाँ पर आकर मेरे नाम का जप करो। जब तुम मेरे नाम का जप करोगे तो मैं इस दुखमय संसार से तुम्हें आजाद कर दूंगा और मुक्त करके वापिस से अपने रियल स्थान मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, कि अपने रियल स्थान जो कि वाकई में तुम्हारे रहने की जगह है वहाँ पर लेकर जाऊंगा, लेकिन तब जब तुम मेरे नाम का भजन करोगे। और वो भजन कैसे होगा? जब हम श्रीमद् भगवद गीता का नित्य कंटिन्यूस उसको स्मरण रखेंगे, क्योंकि हमारा भजन ढीला पड़ जाता है जब हम श्रवण अच्छा नहीं करते, लेकिन श्रवण करेंगे तो फिर हमारा भजन। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि हम सब की कंडीशन ऐसी है जैसी कि अर्जुन की है, इसी भगवान श्री कृष्ण ने इसी कंडीशन को चॉइस किया अर्जुन को भगवद गीता सुनाने के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी कंडीशन और अर्जुन की सिचुएशन को कंपेयर करके देखें तो अर्जुन की जो सिचुएशन थी वो हमारी सिचुएशन से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा दुखमयी थी। क्योंकि आज हम सब क्यों दुखी हैं? अपनों के लिए, जो हमारे हैं उनके लिए दुखी हैं या उनके कारण दुखी हैं, ठीक है। मेन क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे सब सुखी रहें इसलिए सब इसलिए दुखी हैं। लेकिन अर्जुन बेचारा क्यों दुखी था? क्योंकि उसको अपनों के दुख का कारण बनना था। जो भगवान अर्जुन ने पहले चैप्टर में सारा का सारा बता दिया कि मेरी वजह से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म जोर हो जाएगा, अधर्म की जोर होते ही कुल की स्त्रियां अपवित्र हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होंगे, पुरखे जिन जो हमारे पितृगण हैं उनको जल और पिंड दान अर्पण नहीं होगा, सब नरक में चले जाएंगे केवल मेरी एक इच्छा के कारण। तो फिर इतना दुखी था और उसके सामने कौन था लड़ाई करने के लिए? उसको किसके साथ लड़ाई करनी थी? जो उस जिनसे वो कितना प्यार करता था, भीष्म पितामह भीष्म जो कि कितने प्रिय थे अर्जुन के लिए। अर्जुन ने जो कुछ भी प्रेम प्राप्त किया, अर्जुन जब पैदा हुए थे उनके पिता का देहांत हो गया था तो पिता और दादा के संपूर्ण कर्तव्य थे भीष्म पितामह ने किए थे। और उसके अलावा इतना प्यार करते थे अर्जुन से, उसके अलावा जो उनके गुरु द्रोणाचार्य थे वो कितना उनके प्रिय शिष्य थे अर्जुन, और इन सब को उसके अलावा भी सारे जो हमें पहले बताए, जब अर्जुन ने देखा था ना कि किन किन से लड़ाई करनी थी उनको, तो सामने कौन कौन खड़े थे? अर्जुन बता रहे थे ना पहले चैप्टर में, अर्जुन ने क्या बताया, इमेवस्थिता युद्धे प्राणस्य स्वाधनानि च आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामह मातुला शशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतानहन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किं नो महि कृते। यहाँ अर्जुन ने बताया भगवान श्री कृष्ण को कि हम राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ होगा,
क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पौत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, तो मेरे और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँ? भले वो मुझे मार डाले, कैसी कंडीशन होगी उस समय जब कुल के समस्त लोग, सारे लोग जो प्रिय हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब के सब वहाँ पर अर्जुन के सामने खड़े थे और अर्जुन को मारना था, जान से मारना था। आज भगवान न करे किसी के सामने कोई उसका पिता या कोई दादा उसके सामने ऐसी गलती करे जो उसको खाली वाग युद्ध बदतमीजी से एब्यूज वर्ड उसको बोलने पड़े, तो भी हम सोच सकते हैं कि हमारी क्या कंडीशन होगी। हम अगर किसी को थप्पड़ मारना पड़े ना, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हम जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं, जो हमारे दादा इत्यादि हैं, अगर वो कोई ऐसी गलती, भगवान न करे किसी के सामने ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन उस सिचुएशन में हमारी क्या कंडीशन होगी हम सोच सकते हैं ना। और उससे करोड़ों गुना अधिक सिचुएशन थी अर्जुन के पास, अर्जुन को उन्हें जान से मारना था, तो कितनी दुखी कंडीशन होगी अर्जुन की, कितना दुखी होगा वो सिचुएशन दिखा रहा है। ये संजय बता रहा है कि देखो ये सिचुएशन थी और इस सिचुएशन में अर्जुन ने जब भगवान ने जब अर्जुन को देखा तो ऐसा कहा। और यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जब अर्जुन की सिचुएशन इतनी गंभीर थी, इतनी गंभीर स्थिति में श्रीमद् भगवद गीता उसने सुनी और उसके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया और वो कहने लगा। तो फिर 1 नंबर 73 में भगवान को अर्जुन ने पता है क्या कहा था? अर्जुन वाच नष्टो मोह सिमृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाश्रित चितोऽसि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तत्पर हूँ। यानी कि अर्जुन की यह सिचुएशन जो अभी हम देख रहे हैं, उस सिचुएशन से जब श्रीमद् भगवद गीता ने उसे उभार लिया, उसका समस्त मोह नष्ट हो गया, उसकी स्मरण शक्ति वापस आ गई, उसको कोई अब दुख नहीं रहा, कोई टेंशन नहीं रही, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कुछ भी जो ये अभी जो रोता हुआ मुंह के सामने खड़ा ना भगवान के सामने, वो हंसते हंसते बोल रहा है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करने के बाद अर्जुन की यह इतनी गंभीर स्थिति समझ सकती है, इतनी हाई लेवल की जो दुखदाई स्टेज है वो भी वापस शांत हो सकता है, तो हमारे जीवन में जो छोटे छोटे दुख हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी टेंशन्स हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने से या समझने से खत्म हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी सिचुएशन में दी है ताकि हम ये समझ सके कि हमारे समस्त दुखों का निवारण जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में हमें मिलेगा, क्योंकि समस्त दुखों से दूर करने की एक ही दवा भगवान श्री कृष्ण हमें दे कर गए हैं। ये कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण किताब है, ये श्रीमद् भगवद गीता कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण कहते 9.17 में पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह, कि मैं ही इस जगत का पिता, माता और पालन करने वाला हूँ। अब इस संसार का कोई साधारण पिता भी जब इस संसार से जाता है तो अपने पुत्रों के लिए कुछ न कुछ विल छोड़ के जाता है, कोई न कोई धरोहर छोड़ के जाता है, जो उनके जीवन में जब दुख आएगा, जब कष्ट आएगा तो उन्हें काम आएगी। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ,
तो भगवान श्री कृष्ण क्या हमारे लिए इस संसार में उसने नहीं सोचा होगा कि जब मैं तो चला जाऊंगा अपने गोलोक वृंदावन धाम में, मेरे पुत्र जो है, मेरे बच्चे जो है, वो कितना दुखी होंगे, उनके लिए भी मुझे कोई ना कोई विल छोड़ के जानी चाहिए, कोई ना कोई धरोहर छोड़ के जानी चाहिए, और वो धरोहर है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान हमारे लिए यह अनमोल खजाना छोड़ के गए हैं, और भगवान को यह पता है कि मेरे बच्चों के ऊपर जब दुख पहुंचेगा, जब अर्जुन की जैसी उनकी भी दुखमय कंडीशन होगी, तो यह धरोहर उनके कितने काम आएगी। तो ये हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण की विल है। आज हम देखे संसार में जब पिता का देहांत होता है तो बच्चों की पूरी नजर उस विल पर होती है कि मेरे पिताजी क्या छोड़ के गए हैं मेरे लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले श्रीमद् भगवद गीता का ये अनमोल गिफ्ट हमारे लिए छोड़ के रखा है, और आज हम उनकी संतान, भगवान श्री कृष्ण की संतान ने कभी खोल कर देखना भी नहीं, मतलब इतना भी गवारा ना किया कि आखिर इसमें मेरे पिता ने क्या छोड़ा है। सोचने की बात है, जब यहाँ का कोई साधारण पिता जो कि इतना अमीर भी नहीं होता है, इतना उसके पास धन भी नहीं होता है, फिर भी जो वसीयत छोड़ के जाता है ना, जो धरोहर छोड़ के जाता है, वो इतनी होती है कि उसके बच्चों को दुख के सागर से निकाल सकती है, यानी कि उनके लिए कुछ ना कुछ सहायता उसको प्रोवाइड करती। तो क्या हमारे अपने पिताजी, हमारे अपने पिता भगवान श्री कृष्ण, जो कि त्रिलोकी के नाथ है, जो कि समस्त करोड़ों करोड़ लक्ष्मियाँ जिनके चरणों में, उनकी चरणों की सेवा करती हैं, क्या वो जो हमारे लिए धन धरोहर छोड़ के गए होंगे, वो ऐसे ही व्यर्थ का, ऐसे ही संभाल के रखने का होगा, ऐसे कपड़े में बांध कर एक पोटली बनाकर रखने का होगा, उसे जीवन में उतारने का नहीं होगा, उससे हमें कोई भी फायदा नहीं हासिल करना चाहिए। लेकिन खजाना चाहे कितना ही अनमोल क्यों न हो, अगर वो ऐसे ही धरती में गड़ा हुआ है या पोटली बनाकर रखा हुआ है, तो कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, उसको खोलना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में उसका उपयोग करना पड़ेगा, उसका जीवन में यूज करना पड़ेगा, तभी वो आपके दुखों का निवारण कर सकता है। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान की तरफ से हमारे लिए एक अनमोल खजाना, एक अनमोल गिफ्ट है, उसको हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी हम अपने समस्त संकटों, समस्त दुखों से निवारण प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने हमारे दुखों को दूर करने के, इसीलिए तो यह सिचुएशन भगवान ने चॉइस किया। अर्जुन जब बहुत ज्यादा दुखी था, अगर देखा जाए तो इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब अर्जुन दुखी था, लेकिन उस सब सिचुएशन में सबसे ज्यादा दुखदायक कंडीशन अर्जुन की आज थी, और भगवान ने आज रणभूमि को यह श्रीमद् भगवद गीता सुनाने के लिए चुना है। इसका मतलब है भगवान हमें बताना चाह रहे हैं कि इतनी दुखदायक भी यदि स्थिति तुम्हारी हो जाए, तो भी श्रीमद् भगवद गीता तुम्हारे समस्त दुखों का निवारण कर सकती है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को इस सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद शुभपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है। अब भौतिक पदार्थ क्या है? ये शरीर जो है वो भौतिक पदार्थ है। आगे भगवान श्री कृष्ण बताएंगे 7.45 में, वो मेरा पुनरो वायु खमनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब जो है वो भौतिक पदार्थ है, भगवान की अपरा प्रकृति है, और इनके प्रति अगर हम कोई शोक करते हैं, क्योंकि इनकी क्या असलियत क्या है भौतिक पदार्थों की, कि वो क्षय हो जाने वाले, अशाश्वत हैं, अनित्य हैं, ये हमेशा खत्म होने वाले। लेकिन अगर एक चीज पता है कि खत्म ही होने वाली है, जैसे बच्चे हैं ना, जब दिवाली के टाइम पर फुलझड़ी जलाते हैं, तो उस टाइम पर जब फुलझड़ी जल रही होती है तो उनको अच्छा आनंद आता है, लेकिन जब फुलझड़ी खत्म हो जाती है तो वो उसको अगर दुख होना शुरू हो जाए कि नहीं मेरी फुलझड़ी खत्म क्यों हुई, ये खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सिचुएशन ही ऐसी है, उसकी असलियत ही क्या है कि वो थोड़ी देर जलेगी और फिर खत्म हो जाएगी। उसी तरह से हम सब जो भौतिक चीजें जो हम यूज करते हैं, एक न एक दिन उनको खत्म होना है। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया
अशाश्वतम, इसमें से इस संसार में मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं रखी है जो कि आप कभी भी ऐसा हो कि वो आपके साथ कंटिन्यूस एज ए लाइफ टाइम कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो अगर ऐसी चीज के लिए जो बच्चा दुख करता है वो बेवकूफ है ना, हम उसको बोलेंगे आप पागल हो, ये तो खत्म हो जाएगी, आपको मैं दूसरी दे देता हूँ, उसकी बदली में दूसरी आप ले लो। उसी तरह श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस तरह जो भौतिक पदार्थ है उनके प्रति अगर कोई शोक करता है तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भौतिक चीजें तो वैसे भी खत्म होने वाली है, और अगर कोई चीज इटर्नल है, कोई चीज शाश्वत है, तो वो क्या है, केवल और केवल आत्मा। तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आत्मा को नहीं जानता है इसलिए वो पदार्थों के लिए शोक करता है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में यानी कि अब असल में आत्म साक्षात्कार क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, कि आप शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा करो। आपको दुख होना चाहिए अपनी आत्मा के प्रति, कि हम शरीर के लिए दुख करते हैं कि मुझे कपड़े नहीं मिले, मुझे न्यू ड्रेस नहीं है, ये खाना नहीं है, पिज्जा नहीं है, बर्गर नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, ये सारी चीजों के लिए मनुष्य दुख करता है। लेकिन आत्मा के लिए दुख करना चाहिए कि मेरी आत्मा जन्म जन्मांतर के इस भाव सागर में फंसी हुई है, कभी उसको कुत्ते के अंदर डाल दिया जाता है, कभी बिल्ली के अंदर, कभी कॉकरोच के अंदर, कभी खटमल के अंदर, और कभी गटर में रेंगते हुए कीड़े के अंदर डाल दिया जाता है। और मैं जो वो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के लिए, जिस भी सुअर के शरीर में जाता हूँ तो फिर रिश्ता के लिए परेशान हो जाता हूँ, कभी ये नहीं सोचता कि मैं अपनी इस आत्मा का कैसे उद्धार करूँ। तो ये है सेल्फ रियलाइजेशन, जब हमें यह एहसास होने लगता है कि आत्मा का कैसे उद्धार किया जाए। तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है, कितना सुंदर शब्द है, भगवान का नाम है, लास्ट शब्द है इस श्लोक के आखिर में आया ना, उवाच मधुसूदन। श्री प्रभुपाद जी बोले भगवान का नाम है तो इम्पोर्टेंट होगा, और वैसे भी जब शास्त्र में किसी का नाम आता है, अब देखो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण आपस में कन्वर्सेशन चल रही है ना, बातें कर रहे हैं, अब जब मैं आपसे बात करूं तो बार बार मुझे नाम तो नहीं लेना पड़ता है कि आप सुनो, नाम लेकर मैं बोलूं कि समीर प्रभु आप सुनो, रवि आप सुनो, या फिर है ना हीरो आप सुनो, ऐसे तो नहीं बोलती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, बस बोल दो, आप सुन ही रहे हो ना, बार बार नाम लेने की आवश्यकता नहीं। अब कन्वर्सेशन चली दो लोग के अंदर रही, फिर तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि शास्त्र में ऐसा आता है, नाम लिया जाता है किसी श्लोक में, तो इसका मतलब है कि उस नाम के अंदर बहुत गहराई होती है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नाम जो मधुसूदन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि भगवान को जब ये नाम मिला था, क्यों मिला था, कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन क्या चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। उसका कर्तव्य था, वो क्षत्रिय था, उसका कर्तव्य था युद्ध करना, लेकिन अब उसके अंदर इतना अज्ञान आ गया था, इतना क्रोध नहीं हो रहा था, मतलब उसके शोक की वजह से, उसके मोह की वजह से वो अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहा था। तो वो मधुसूदन के याद करा रहा है भगवान को कि तुम तो हर असुर को मारने वाले हो, मेरे इस अज्ञान रूपी असुर का भी वध कर दो ताकि मैं अपने कर्तव्य को पालन कर सकूं। हमें भी भगवान को बोलना चाहिए, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन ना कर सके तो भगवान को बोलना चाहिए मधुसूदन कृपा करके हमारी रक्षा करो, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को पालन नहीं कर सकते, मोह और अज्ञान ने हमारा रास्ता रोक रखा है। तो आप मधुसूदन हो तो आप उस मोह और अज्ञान को समाप्त करो ताकि मैं अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा सकूं। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ किया जाए, यानी कि असल में दुख किसके लिए किया जाए वो जानता ही नहीं मनुष्य। संसार में आकर अपने आप को शरीर समझ लेता है और शरीर से रिलेटेड कष्टों को दूर करने के लिए ही दुखी होता है। अगर आप अपने नहीं, दूसरे कोई सोशल वर्कर भी होते हैं तो दुखी किस लिए करते हैं, किसी को खाना दे दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को दवाइयाँ दे दी कि भाई हाँ इसका दुख दूर। लेकिन एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, कब तक हम उनके दुखों का निवारण करते रहेंगे, कब तक कोई दूसरे मनुष्यों को पालता रहेगा,
या कितनों का करता रहेगा, हो ही नहीं सकता हम। लेकिन हमें क्या देखना है कि हम कैसे कुछ ऐसा करें कि उन्हें कभी यह सारे दुख भोगने के लिए इस दुखमय संसार में आना ही ना पड़े। वास्तविक करुणा ये है भगवान, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना कि किसी को खबर ही नहीं है कि करुणा का प्रयोग कहाँ किया जाए। करुणा का प्रयोग कहाँ किया जाए केवल वैष्णव जानते हैं, ठीक है ना। वैष्णव जन तो ताहि कही पीर पराई जाने हैं, का मतलब ये नहीं है कि वैष्णव लोग जानते हैं कि भाई इसको कपड़े चाहिए, इसको नया ड्रेस चाहिए, इसको पिज्जा खाने के लिए दुख है, ये दुख पीड़ नहीं जानते हैं। वो वैष्णव जानते हैं कि इस बेचारे की आत्मा कितना सुलग रही है, इतनी पवित्र आत्मा भगवान का अंश है, कभी उसको छिपकली के अंदर डाल दिया जाता है, कभी उसको लिजर्ड, कभी उसको कॉकरोच के अंदर, कभी खटमल के अंदर, कभी कीड़ों के अंदर, कभी कुत्ते बिल्ली की तरह उसको सुअर के अंदर डाल दिया जाता है, तो वो कितना दुखी है। तो कुछ ऐसा किया जाए, उनको भगवान का पवित्र नाम दिया जाए, भगवान के पवित्र शब्दों का उनको रस चखाया जाए, ताकि वो भौतिक चीजों के रस से विमुख हो जाए और इंद्रिय तृप्ति के बदले में आत्म तृप्ति के लिए भगवान के पवित्र नाम का जप करें, ताकि उन्हें बार बार इस कष्टमयी संसार में आना ना पड़े। तो वास्तविक करुणा का प्रदर्शन तो हमें इसमें करना चाहिए। लेकिन शिला प्रभुपाद जी बोले किसी को खबर ही नहीं है, और आगे तो और भी अच्छा बता रहे हैं कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता है। अब देखो, कोई मनुष्य डूब रहा है, उसके कपड़ों के लिए आप अगर दुख कर रहे हो तो कितना ज्यादा बेवकूफी होगी। हमें क्या करना, उस मनुष्य को बचाना है ना। अब यहाँ पर मनुष्य जो डूब रहा है वो कौन है, वो आत्मा है, और शरीर क्या है, वस्त्र है। मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं 2.22 में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर ग्रहण करती है। तो यह शरीर तो वह आत्मा का वस्त्र है, और आत्मा डूब रही है, मर रही है, तिल तिल करके, कभी कहाँ जाना पड़ रहा है, कहीं कहाँ भटकना पड़ रहा है, कभी भी उसको वास्तविक स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है। और आज का मनुष्य इतना अज्ञानी है कि केवल और केवल अपने शरीर के दुखों को खत्म करने के लिए ही सारा ज्ञान, सारा जो भी अपनी बुद्धि है वो यूज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैसे मैं सबसे ज्यादा सुंदर लगूं, कैसे मैं सबसे ज्यादा सुखी रहूं, कैसे मैं सबसे ज्यादा भौतिक अपने इस शरीर को, हार्ड मास से बने हुए इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा सुखी करूं और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करूं। उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा। और आत्मा के लिए 16 माला जप करने के लिए जो एक कितना इतना इजी प्रोसेस हमें चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद की कृपा से मिला, उसको करने के लिए भी उसको समय नहीं मिलता है। बाकी अपने शरीर को खुश करने के लिए वो करोड़ों करोड़ जतन करता रहता पूरी जिंदगी। आज हम में से देखिए, कोई 25 साल, कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई 30 साल, सच्ची उम्र है, लेकिन सबने आज तक के लिए जितना भी प्रयोग किया है अपने बुद्धि का, अपने जो भी हमारे पास है उस संपत्ति का, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को खुश करने के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों को करुणा अगर कोई दिखाता है तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता है। जो इसे नहीं जानता है और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। यानी कि जो आत्मा के विषय में नहीं जानता और सिर्फ शरीर के लिए ही शोक करता है, श्रभु का जी बोलते हैं वो तो शूद्र है। वो शास्त्र कह रहा है और हम सब शूद्र हैं यदि हम आत्मा को तृप्त करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। और यही क्वेश्चन पूछा था जब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे थे और सूत जी गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे थे, तो उनसे पूछा था तत्र तत्र संजायुष्मन भवता, आप मुझे ये बताओ कि आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए। हमें शरीर को प्रसन्न करने के तो सारे तरीके पता है ना,
तो कुछ ऐसा बताओ क्या, ये तो सब शिला प्रभुपाद ने बताया कि बेवकूफ है, शूद्र है जो सिर्फ और सिर्फ बाहरी पहनावे के लिए रक्षा करते हैं। तो फिर सूत गोस्वामी ने बताया, सवै कुंसाम परो धर्मो यतुर्भक्ति यदोक्षजे अहितुकी यप्रतिहिता ये आत्मा सुप्रसीदति। यदि आत्मा को सुप्रसीदत करना है, यदि आत्मा को बहुत ज्यादा सुखी करना है, तो उसका एक ही तरीका है, क्या? सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अदोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी आत्मा को प्रसन्न कर सकते हो। और आज के इस युग में भक्ति का केवल एक ही साधन है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कथाओं का श्रवण करते हुए भगवान के नाम को प्रेम से अगर हम जप करते हैं, तो इसके अतिरिक्त और कोई तरीका, कलाव नाश सैव नाश सैव नाश सैव, नहीं है नहीं है नहीं है इस कलयुग में, इसके अतिरिक्त आपकी आत्मा को प्रसन्न करने का और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आवश्यकता ना थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट करते कर सकते हैं, और उसकी उसी उद्देश्य से उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। क्योंकि अर्जुन अभी अपने शरीर और दूसरों के शरीर के लिए परेशान था, तो अब अर्जुन के सामने जो था, उनका सारथी जो था, वो था भगवान। और भगवान ने जिसके रथ की डोर पकड़ ली है, उसका रथ कभी भी गलत दिशा में नहीं जा सकता, एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। और इसी एक्सीडेंट से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। वैश्लेषिक अध्ययन मतलब डिटेल से आपको यहाँ पर इस अध्याय में आत्मा और शरीर के विषय में बताया जाएगा, और सेल्फ रियलाइजेशन का उपदेश देगा, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण ने के द्वारा की गई। बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद ने बहुत ही नॉलेजेबल बात बताई कि ये आत्मा और शरीर का जो वैश्लेषिक अध्ययन है, जो डिटेल से आपको बताया जा रहा है, वो किसी साधारण प्राणी की वजह से नहीं बताया जा रहा, किसी साधारण लोग ने आकर नहीं बताया है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह ज्ञान दिया जा रहा है, जो कि वास्तविक ऑथोरिटी है, भगवान है। और उन्होंने ही, भगवान ने ही श्रीमद् भागवतम चतुर्वान टेक्स वन और सिकंद नंबर कैंटो नंबर वन में ये बताया गया, 1.1.1 में बताया गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, कि ब्रह्मा जी को जो आदि कवि हैं, उनको भी ज्ञान जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, और उनका ज्ञान परिपूर्ण है, और साक्षात उसी अधिकारी ऑथोराइज भगवान श्री कृष्ण, जो कि सुपर ऑथोरिटी है, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता बताई है। और यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। ये सब साक्षात्कार तब होगा जब आप पहले आत्मबोध को प्राप्त करोगे कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। ये देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आज हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण हमें वाकई में बहुत इजी करके बताएंगे कि आप क्या हो, आत्मा हो, आपका कर्तव्य क्या है। तो कृपया मेरे साथ रहिएगा और हम इस चैप्टर को, श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।